तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पानी का प्रेशर बढ़ाने वाला पंप को बना के बताऊंगा स्कीपर पाइप की मदद से। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ अलग ही अंदाज में आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही दोस्तों लाभदायक रहे। यहाँ पे सबसे पहले उसको बनाने के लिए मैं ये डेढ़ का पाइप लेकर आया हूँ, इसमें 16 इंच का आप देख लीजिए, 1.5 फीट तक आप बना सकते हो। उसके बाद में 9 इंच का एक टुकड़ा लगेगा आपको हैंडल के लिए 1.5 इंच साइज में। उसके बाद में दोस्तों ये 1/2 इंच का CPVC पाइप भी आपको लगेगा और ये 2 कपलिन डेढ़ का, यहाँ पर आप देख लीजिए 1.5 का 2 कपलिन और 1.5 का एक बुशिंग और 1.5 का एक बुशिंग्स। उसके बाद में ये दोस्तों 1.5 का दोस्तों ये ब्रश एडाप्टर आपको चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में ग्रीस और ये 4 नाट 12 mm का और ये इसमें आप मैं सलिया में आपको घुसा कर दिखा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, इसके अंदर ये बैठेगा। और उसके बाद में 4 वाइसर और ये 1/2 बाय 3 का GI निप्पल और ये 2 पाना। इसके बाद में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टेपनोल टेप और ये वाइसर, यहाँ पे आप देख लीजिए वाइसर जो है 40 mm साइज का, इसका अंदर साइज का आपको लेकर आना है यहाँ पे। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा दोस्तों पंप बनाने का। उसके बाद में स्कीपर पाइप्स का ये सॉल्यूशन UPVC का, तो ये सब आपको चाहिए पंप बनाने के लिए। मैं आपको डिटेल्स में बता दिया हूँ, अब मैं आपको एक एक करके दोस्तों बना के बताऊँगा और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का पंप बना के बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों 9 इंच के टुकड़े को मैं काट दिया हूँ। अब इसमें मैं होल करने का बारे में आपको दिखा देता हूँ कैसे होल किया जाता है। यहाँ पर इसका सेंटर में कर लेता हूँ, 4.5 इंच आ रहा है, इसमें मार्क कर लिया हूँ। अब देख सकते हो उसके बाद मैं सलिया जो दोस्तों मैं 21 इंच का लूँगा यहाँ पे, क्योंकि 16 इंच का पाइप था तो उससे 5 इंच बड़ा आपको सलिया चाहिए होगा। जितना बड़ा पाइप लोगे उसके हिसाब से आपको सलिया जो है दोस्तों 5 इंच से बड़ा रहना चाहिए। और उसके बाद में मैं डायमंड कटर पाना इसमें लगा दिया हूँ सलिया काटने के बाद में। ये अब देख लीजिए इसको मैं होल कर लेता हूँ सेंटर में, तो बहुत ही अच्छे से होल होगा अगर आप डायमंड कटर पाना से ऐसे करते हो। ये 10 mm का पाना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब मैं इसमें सलिया घुसा कर देख लेता हूँ हैंडल के लिए। उसके बाद दोस्तों कपलिन में सबसे पहले मैं ये 1.5 का बुशिंग्स और 1.5 का बुशिंग्स को चिपका लेता हूँ सॉल्यूशन देकर अच्छे से। यहाँ पे आप देख लीजिए 1.5 का बुशिंग्स मैं लगा चुका हूँ। अब इसमें 1.5 का बुशिंग्स मैं लगा देता हूँ 2 कपलिन में, तो ये 2 लग गए। उसके बाद दोस्तों पाइप का जो धार है ना ये बहुत ही शार्प होता है, तो इसको आपको आरी ब्लेड से ऐसे राउंड कर लेना है घिस कर, तो क्या आपका वाशर जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब उसका वैलिडिटी बढ़ जाएगा, वो घिसेगा नहीं। अब इसको सबसे पहले मैं चिपका लेता हूं दोस्तों एक साइड, यहां पे आप देख लीजिए 1.5 और 1 का बुशिंग्स को, मतलब कपलिन वाला बुशिंग्स को मैं चिपका लिया हूं। अब इसमें ये 1.5 का ये ब्रास एडाप्टर मैं लगा देता हूं सॉल्यूशन देकर अच्छे से यहां पे, तो क्या दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंप रहेगा और कभी भी टूटेगा नहीं। ये इसका बिल्कुल लेवल में आप देख लीजिए बिल्कुल फेस में है, तो बाद में वहाँ पर GI निप्पल लग जाएगा। अब जो दोस्तों पाइप का जो है काम हो गया है पंप के लिए, अब मैं इसमें वाइसर टाइट कर लूँगा सलिया में। ये आप देख लीजिए पहले नट, उसके बाद में दोस्तों ये वाइसर, उसके बाद में फिर वाइसर, उसके बाद में इसमें टेपनोल टेप लगाऊंगा थोड़ा। ये आप देख लीजिए टेपनोल टेप लगाने के बाद में नट को मैं टाइट करूंगा यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। उसके बाद में वाशर को थोड़ा लेवल करके मैं ये 2 पाना से इसको मैं टाइट कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा लूज रहता है, आपको आपके हिसाब से दोस्तों टाइट कर दोगे तो क्या है बिल्कुल ये पाइप के अंदर का साइज का आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए बाद में आप एडजस्ट भी कर सकते हो मेंटेनेंस के लिए, अगर ये घिस जाता है तो आप बड़ा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत ही शानदार वाशर है, ये ढोल बोस इसे बोलते हैं, इस वाशर का नाम ढोल बोस है 40 mm का। उसके बाद में मैं दोस्तों हैंडल को इसमें लगा कर इसका अंदर का पाइप का एक साइज निकाल लूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए हैंडल इसमें बैठ गया है नट और वाइसर से। उसके बाद में इसको मैं नाप लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में इसको ये 1/2 इंच जो CPVC पाइप मैं लाया था यहाँ पे लगाऊंगा। अभी देख लीजिए जितना बड़ा टुकड़ा था उसको मैं काट लेता हूँ और इसको मैं खोल के इसके अंदर घुसाऊंगा। यहाँ पे ये पाइप जो है दोस्तों बहुत ही हैवी क्वालिटी का, इसलिए यहाँ पर मुझे इसमें कोई सपोर्ट देना नहीं पड़ रहा है, बहुत ही अच्छे से टाइट में जा रहा है, तो क्या कभी भी ये निकल के भी नहीं आएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है दोस्तों इसको देने का मतलब ये है दोस्तों पाइप जो है इसका थ्रेड से घिसेगा नहीं और बहुत ही स्मूथली काम करेगा, ये आप देख सकते हो। तो वाइसर और ये रेडी है, आप इसमें मैं दोस्तों ग्रीस देकर इसको घुसाऊंगा। अगर आप ग्रीस देते हो ना तो वह वाइसर का जो वैलिडिटी है बढ़ जाता है और बहुत ही स्मूथली काम करेगा, मतलब आप इजीली ऑपरेट इसको कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए मैं आपको इसको कर दिखा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से प्रेशर बनेगा। उसके बाद में ये ऊपर का एक कपलिन मैं लगा दूँ और इसको खुला रखना है आपको दोस्तों, चिपकाना नहीं है मेंटेनेंस के लिए, वो बाद में आप वाशर रिपेयर कर सकते हो उसके लिए। और उसके बाद में यहाँ पे ये नट और वाइसर, उसके बाद में फिर ये पाइप, उसके बाद में दोस्तों ये दोनों को ऐसे आपको लगा देना है। ये देख लीजिए कितना शानदार ये बन गया है पंप।
और उसके बाद में आगे आधे भाई ये तीन का निप्पल आपको लगा रही है दोस्तों रहेगा, ये जो निप्पल है आप खोल भी सकते हो और जहाँ पे ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको लगा सकते हो। तो ये पंप बनकर रेडी हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं दोस्तों स्कीपर पाइप्स का कुछ आपको अलग दिखा देता हूँ। यहाँ पे सभी पाइप मैं लेकर आया था, इसको चेक करने के लिए काफ़ी हैवी क्वालिटी का ये पाइप है। अगर आप अपने बाथरूम में दोस्तों आपका प्लम्बिंग का काम कराना चाहते हो तो स्कीपर पाइप का भी यूज कर सकते हो। बहुत ही हैवी पाइप है, लीक प्रूफ पाइप है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको ठोक कर पीट कर बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैं इससे पहले भी इसका रिव्यू किया था, वो वीडियो में मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये आप देख लीजिए, बहुत ही हैवी क्वालिटी का पाइप है, आपके बाथरूम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कुछ कुछ सामान ऐसा है बाकी ब्रांड में आपको नहीं मिलने वाला है। ये आप देख लीजिए, एक और हाफ का ब्रास एल्बो जो कि आपको डायरेक्ट मिलता है। अगर पानी का फ्लो आपका कम है तो आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद में ये देख सकते हो बॉल वाल्व और ये टैंक कनेक्शन निप्पल सभी मैं मंगाया हूँ और सभी साइज का मैं पाइप, खास करके CPVC UPVC। उसके बाद में आप देख लीजिए, ये सब आपको दूसरा कोई ब्रांड में नहीं मिलेगा, इतना हैवी क्वालिटी का। डायरेक्ट एक और हाफ का ब्रास थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं बाकी दोस्तों इस पाइप का वेबसाइट लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट करके देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिएगा स्कीपर पाइप्स। बाकी आप इस पंप को मुझसे खरीद भी सकते हो, आप मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मैसेज करिए। आप यहाँ पर आप देख लीजिए कितना स्मूथली काम कर रहा है और पानी किस टाइप से दोस्तों प्रेशर में जा रहा है। आपको इस टाइप से इस पंप को नल में लगा कर पंप करना है तो जो भी ब्लॉक है आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।